तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको एक सपना देखने वाला एनिमेशन और एक खिड़की से मतलब अंदर से कमरे के अंदर से बाहर की तरफ देखने वाला जो एनिमेशन है वो बनाना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो के बीच में मैं आपको एक करेक्टर भी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो इस टाइप का एनिमेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा अपने क्रोमाटून एप्लीकेशन में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ ऊपर साइड देखिए एक करेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर जाना है। यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्ट कस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर फॉर्म ड्राइव क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लोड पर क्लिक करेंगे। जैसे लोड पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इस पर क्लिक करके अपना जो गैलरी ओपन हो जाएगी उससे अपना करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमने जो माताजी वाला करेक्टर है ये ले लिया है। उसके बाद दोस्तों, एक करेक्टर की और ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों, हम देखिए करेक्टर पर जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक विलेज मैन का जो करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो करेक्टर है वो आ चुका है। दो करेक्टर दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ करेक्टर पर जाएंगे और दोनों करेक्टर को हम ऐसे करके नोन कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे दो करेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसान वाले करेक्टर के प्लस के आइकन पर जाएंगे, इसको हम यहाँ कॉर्नर पर फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको कर लेंगे फ्लिप। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए जहाँ आइडल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसको हम स्लीपिंग फ्रंट वाला जो एनिमेशन है तो वो वाला एनिमेशन हम दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए स्लीपिंग फ्रंट का जो एनिमेशन है वो दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से एक आइडल का एनिमेशन दे देना है, ठीक है। तो इस टाइप का दो एनिमेशन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये करेक्टर है जो माता रानी वाला, इस करेक्टर के प्लस के आइकन पर जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको टॉकिंग का एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको टॉकिंग वन का जो एनिमेशन है आपको दे देना है। देने के बाद दोस्तों, देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यानी कि ये इस करेक्टर को छोटा कर लेंगे। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब दोस्तों, यहाँ ऊपर साइड देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ से ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है वो ले लेना है, ठीक है। तो एनिमेशन भी हो गया और यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो भी हमने ले लिया। इसको कर लेना रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर साइड रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से कैंसिल कर देना है और कैंसिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आएगा। अब दोस्तों, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेना है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप लेकर उससे भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा करेक्टर सो रहा है और ये माता रानी बोल रही है। उसके बाद दोस्तों, इसके चेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का देखिए ये खड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको कुछ एनिमेशन करा लेना है। उसके बाद दोस्तों, हम चलते हैं अपने काइंड मास्टर ऐप में, वहाँ से आपको फुल एडिटिंग करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए हम आ चुके अपने काइंड मास्टर ऐप में। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे स्काई का आप बैकग्राउंड ले सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए हमने एक स्काई का बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, पैनल जूम पर जाना है, इसको ऐसे करके जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों, इस पर इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसका ड्यूरेशन आपको ऐसे करके बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, अपने जो करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए, हमारे जो करेक्टर हैं वो आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर इस मिक्सर पर जाना है, इसका जो वॉइस है आपको म्यूट कर देना है, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका बैकग्राउंड वॉइस कभी कभी रिकॉर्ड करने पर आ जाता है। आने के बाद दोस्तों देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है जहाँ से आपका करेक्टर खड़ा हुआ है वहाँ से आपको ले लेना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस बिल्कुल लास्ट पर चले जाएंगे, यहाँ पर इतना ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ट्रिम कर लेंगे आगे का पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों, इस पर होल्ड टाइप करेंगे तो ये आगे साइड आ जाएगा, देखिए, ठीक है, ये आ गया। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको होल्ड टाइप करके इसको आगे ले आना है। तो यहाँ देखिए होल्ड टाइप करेंगे, इसको हम आगे ले आएंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप का आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए खड़े होकर बात कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ से खड़े होकर बात कर रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कैची पर जाएंगे, आगे पार्ट ऐसे करके ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद दोस्तों, इसको हम ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इस पर क्लिक करके इसका पीछे का पार्ट हमको ऐसे करके ट्रिम करा लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है और ऐसे करके, ठीक है। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके कोरमा की कर लेना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इस पर क्लिक करके इसको ऐसे करके देखिए बढ़ा देंगे, मतलब इसका जो साइज़ है आपको ऐसे करके बढ़ा देना है कुछ इस टाइप का, ठीक। बढ़ा देने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मीडिया पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से एक चक्र ले लेना है। तो यह दिखा देता हूँ मैं किस टाइप का चक्र आपको लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक चक्र मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए
ये चक्र आपको ले लेना है। तो ये देखिए आ चुका है। अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम ऐसे उठाकर यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे जाएंगे, इसको कर देंगे सेंड टू बैक। तो ये देखिए बैक चला जाएगा पीछे साइड, और जाने के बाद दोस्तों इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसके मुकुट के पीछे, माता जी के मुकुट के पीछे लाकर रख देंगे, होल्ड टाइप करके आगे बिल्कुल मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों इस लेयर पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो चक्र के लेयर पर, और दोस्तों यहाँ पर ओवरले का एडमिशन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है, सबसे नीचे चले जाएंगे, यहाँ से आपको काउंटर क्लॉकवाइज कर लेना है, काउंटर क्लॉकवाइज कर लेना है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का हमारा जो चक्र है वो घूमता हुआ नज़र आएगा और बात करते हुए भी नज़र आएंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इस टाइप का आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ ऊपर साइड एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मीडिया पर जाना है और एक बैकग्राउंड ले लेना है घर के अंदर का। यहाँ से दोस्तों देखिए मैं एक घर के अंदर का बैकग्राउंड ले लेते हैं। दोस्तों देखिए एक बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, इसका ड्यूरेशन ऐसे करके बढ़ा देना है, ठीक है। दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड में क्या है कि पहले से ही चारपाई पड़ी हुई है, पंखा लगा हुआ है, इस टाइप का कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हो, उसमें चारपाई का पीएनजी है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, अपना जो करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। करेक्टर आ चुका है। आने के बाद दोस्तों इसका वॉइस आपको ऐसे करके म्यूट कर देना है, ठीक। तो म्यूट करने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्रोपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम ऐसे करके क्रोप कर लेंगे, ठीक। तो इस टाइप का देखिए क्रोप हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको कर देना इनेबल। इनेबल करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि वहाँ जो करेक्टर वो क्लियर दिखने लगे। अब दोस्तों इस पर क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, देखिए करेक्टर को ऐसे बड़ा करके यहाँ खटिया पे लिटा देंगे, ठीक। कुछ इस टाइप का हमारा जो सोने वाला जो सीन है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सपना देखने का सीन है वो बनाना है। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो अभी शुरुआत में एक्सपोर्ट किया है एक छोटा सा वीडियो बनाकर, तो उसके दोस्तों अब हम उसको लेकर आएंगे। तो यहाँ लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक वीडियो ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने ले लिया, लेने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिक्सर पर जाएंगे, इसका जो वॉइस है म्यूट करना है। म्यूट करने के बाद दोस्तों देखिए ऐसे बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रोपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों इसका जो मास्क है इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ शेप पर जाएंगे और एक गोला वाला शेप ले लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों गोला वाला जो शेप है वो कुछ इस टाइप में आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसे करके बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, देखिए ठीक है। इतने के बाद चाहो तो आप इसका फैदर बढ़ा सकते हो, ये जो फैदर दिया हुआ है आप इसका फैदर का साइज़ बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद दोस्तों ऐसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करके इसको हमको यहाँ पर उठाकर रख देना है, देखिए यहाँ। अपने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ देखिए लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों हैंडराइटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों लेयर पे जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ हैंडराइटिंग पर जाएंगे, हैंडराइटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्काई वाले पर ये वाला ले लेना है। तो यहाँ देखिए ये वाला ले लेना है, इस टाइप का ऊपर साइड कर लेंगे, ये देखिए ये कलर ले लेना है, ओके कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और ये हम थर्ड नंबर वाला ले लेंगे। अब दोस्तों हमको सभी क्या करना है, ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट रख देने हैं, यहाँ देखिए थोड़ा करेंगे, और इसका ड्यूरेशन आपको ऐसे करके बढ़ा देना है अपने वीडियो के हिसाब से, ठीक। तो इस टाइप का देखिए हमारा बन जाएगा, ये देखिए कुछ इस टाइप का देखिए सोता हुआ देखने को मिलेगा, और ये देखिए माता रानी बात कर रही है, तो यानी सपने में जो है वो बातचीत हो रही है, ठीक। तो इस टाइप का जो हमारा वीडियो है ये एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा सोते हुए सपना देखने का, ठीक। थंबनेल में मेरा एनिमेशन आपने देखा होगा, तो वो वाला एनिमेशन कराना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों एक कोई सा भी बैकग्राउंड आपको ले लेना है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए मैं एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड ले लिया, लेने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन आपको ऐसा करके बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक और बैकग्राउंड लेकर आना है। तो हम यहाँ एक ऐसा बैकग्राउंड लेकर आएंगे जिसके खिड़की हो उस बैकग्राउंड में, तो वो बैकग्राउंड देखिए हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और वो बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड आ चुका है दोस्तों, ये बैकग्राउंड मैंने खुद बनाया है। दोस्तों इस टाइप का अगर बैकग्राउंड बनाना आपको नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को देखकर इस टाइप का बैकग्राउंड बना सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। नहीं तो दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। सिर्फ आप एक मिनट में ऐसा बैकग्राउंड बना सकते हो आसानी से खिड़की वाला, ठीक है। तो आपको सिंपली आप क्या करना है, IBIS पेंट ऐप से बिल्कुल बना लोगे, आप उस वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। अब दोस्तों देखिए आपको ऐसे करके बड़ा कर देना है इस बैकग्राउंड को, देखिए। तो हम यहाँ से दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का इसको बड़ा कर देंगे,
ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है, इसको देखिए डिवीजन ऐसे करके बढ़ा देंगे, तो डिवीजन ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ा देने के बाद दोस्तों हमको सिंपली अपना जो करेक्टर है लेकर आना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं जो करेक्टर वो आ चुका है, आने के बाद दोस्तों ये देखिए ये करेक्टर यहाँ से खड़ा हुआ है, तो हम इतना ले लेंगे। बाकी दोस्तों आप चाहो तो जितना बड़ा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ क्रोपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है, इसको ये करेक्टर क्रोप कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये करेक्टर क्रोप कर लेंगे। क्रोप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ कोरमा की ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है, इसको कर देना इनेबल। इनेबल करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारा जो करेक्टर है वो क्लियर दिखने लगे। अब दोस्तों इस पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों इसको ऐसे करके खींच कर बड़ा कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का, और इसको उठाकर यहाँ रखते हैं, कुछ इस टाइप का देखिए आपको देखने को मिलेगा, मतलब खिड़की से झांक रहा है। ये देखिए हमारा करेक्टर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ इस टाइप का खिड़की से झांकने वाला जो एनिमेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप का आप रख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब दोस्तों आपको सिंपली अगर उसके उस तरफ कोई करेक्टर रखना है, मतलब खिड़की के बाहर की तरफ, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हम इसी का रख देंगे, तो यहाँ डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ तो दोस्तों हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, ऊपर थ्री डॉट पर जाएंगे, इसको कर देंगे डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों हम इसको उठाकर देखिए इस पर क्लिक करेंगे और इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। लाने के बाद दोस्तों देखिए हम इसी को उठाकर बाहर रख देते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट पर जाना, फिर से इसको कर देना सेंड टू बैक। तो जैसे आप सेंड टू बैक करेंगे तो ये देखिए पीछे साइड चला जाएगा हमारा करेक्टर, ये देखिए। अब इसको आप छोटा कर लो, बड़ा कर लो, जैसा करना चाहो वैसा करके रख सकते हो, तो ये वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से आप कोई सा भी करेक्टर रख सकते हो, ठीक। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।